بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम एंड्रॉइड स्टूडियो ओवरव्यू देंगे. ठीक है, मीट एंड्रॉइड स्टूडियो. एंड्रॉइड स्टूडियो इज द ऑफिशियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द पावरफुल कोड एडिटर एंड डेवलपर टूल्स फ्रॉम इंटेलिज आइडिया. ठीक है, तो यह है एंड्रॉइड स्टूडियो, जिसके अंदर आपको एक वर्चुअल वर्चुअल डिवाइसेस भी ऐड कर सकते हैं या अपने डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं. क्रिएट अ प्रोजेक्ट. सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है. ठीक है, बाय सिलेक्टिंग फाइल न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द मेन मेन्यू एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बाय मैम. ठीक है, हमें जो टीचर ने करवाई थी वो थी एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, ये वाली थी. ठीक है, ये आपको नजर आए जो. तो उसके बाद जो चूज प्रोजेक्ट टाइप फ्रॉम शोन टेम्पलेट पैन, मतलब अपने टेम्पलेट पैन में से आपने अपना प्रोजेक्ट टाइप चूज करनी होती है, वो आप ग्रोवी करें अगर आप जावा के ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है, इधर आपको ना मिनिमम एसडीके आप जो मैं आपको समझाता हूँ, इधर आपने अपना नेम लिखना होता है, इधर आपने पैकेज नेम लिखना होता है. जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, तो आपका जो एप्लीकेशन पैकेज नेम होता है ना, वही उधर आपकी पहचान होता है. ठीक है, आपका पेटेंट होता है. कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन ये जो आप अपना माई कैलकुलेटर लिख सकते हैं, कैलकुलेटर लिख सकते हैं या सियाल कैलकुलेटर, जो आप अपना नेम रखना चाहें अपने प्रोजेक्ट का. उसके बाद हमारे पास सेम लोकेशन आ जाती है, किधर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं. उसके बाद आ जाए हमारे पास लैंग्वेज. लैंग्वेज जैसे कॉटलिन जावा, ठीक है, दो शो हो रहे होंगे आपको. आप इधर पहले आप अपना जावा के अंदर शुरू करें, फिर आप कॉटलिन के तरफ मूव करना. ठीक है, पहले आपको हम जावा सिखाएंगे. इधर तो आपने जावा सेलेक्ट करना है इधर, और इधर आपने अपना एसडीके क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, मतलब कि जो मिनिमम किट होती है ना वो कौन सी होगी. जिस तरह पुराने मोबाइल होते हैं, ठीक है, पुराने उनके अंदर आपका जो एसडीके है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जो 2023 के बाद मोबाइल आए उनके अंदर चले, ठीक है, उससे पहले जितने भी मोबाइल सर आ चुके हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके अंदर आपका एप्लीकेशन ना लॉन्च हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना नया जो वर्जन होगा ना एपीआई, ठीक है, वो आप यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आप पुराने भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें अपना एंड्रॉयड 7.0, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर और भी डिफरेंट वर्जन आप वो यूज़ करें. ठीक है, या यॉगर्ट वगैरह वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जिस तरह अगर मैं आपको इधर एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके देता हूँ, हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जिराफ वर्जन है मेरे पास 2022 3.0. अब अगर मैं आप ये प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मैं आप इधर एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ ना, तो ये वाला एम्प्टी एक्टिविटी ये माई एप्लीकेशन है, इधर आप अपना लिख लें कैलकुलेटर, तो ये आपको आपके एप्लीकेशन का पैकेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ये आपकी सेव लोकेशन है जावा, अब कॉटलिन है जो जावा आप यूज़ करते हैं. मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी जो डिवाइस है वो एपीआई इधर मैं ओरियो 8.0 यूज़ कर रहा हूँ. इससे पहले जितने भी मोबाइल होंगे ना 8.0 से पहले, उन सब के अंदर कोई भी ये मेरा एप्लीकेशन नहीं चलेगी. ठीक है, तो उसके बाद यू विल रन अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि इस सिस्टम के थ्रू 94% ऑफ डिवाइसेज हैं जो वर्ल्ड वाइड है, उनमें ये हमारा सिस्टम लॉन्च हो सकता है. ठीक है, एप्लीकेशन. तो अगर मैं आपको ये बताऊँ, नगर आप यूज़ करना चाहें 7.0, पहले मेरा ओरियो 8.0 है, ठीक है, एपीआई 26, और अगर हम ये यूज़ करें 100% डिवाइस जो है यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम 33 यूज़ करें, तो 33% ऑफ डिवाइस यूज़ कर सकती हैं टेरा मिस हुई, क्योंकि ये एंड्रॉयड का नया वर्जन है एंड्रॉयड 13, अभी एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है रिसेंटली. ठीक है, अगर हम एंड्रॉयड 11 यूज़ करें तो हमारा 67% हो जाएगा. लेकिन आप कोशिश करें, मैंने इधर यूज़ कर रहा था एपीआई 26, ये ओरियो नगेट मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे 95% ऑफ डिवाइसेज में मेरी एप्लीकेशन रन हो सकती है. उसके बाद हमारे पास आता है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज कौन सी है, तो कॉटलिन बिल्ड ग्रेडल केटीएस, तो ये रिकमेंडेड है. लेकिन अगर मैं आपको जावा के लिए रिकमेंड पर्सनली करूँगा तो वो ग्रोवी आप यूज़ करें. ठीक है, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंपाइलर जो होते हैं बैकएंड पे जो उसे कंपाइल करते हैं, तो हम फिनिश करें तो हमारा प्रोजेक्ट वो रन होना शुरू हो जाता है. तो ये हम इसको स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, पहले हमने नेम करना होता है, फिर पैकेज नेम हमने डिफ़ॉल्ट वो करना होता है. पैकेज नेम आपने जो पैकेज नेम बिकम्स योर प्रोजेक्ट्स नेम स्पेस यूजिंग एक्सेस टू प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, मतलब आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने रिसोर्सेज होंगे ना, वो आप किसी आईडी के थ्रू आप पब्लिश कर सकते हैं और इनको एक्सेस कर सकते हैं बाद में. ठीक है, लाइफ टाइम स्पेसिफाइड एलोकेशन, स्पेसिफाइड लैंग्वेज, तो
लैंग्वेज उसने जावा इधर की हुई है। सिलेक्ट द मिनिमम लेवल एपीआई लेवल यू वांट टू ऐप सपोर्ट। व्हेन यू सिलेक्ट अ लोअर एपीआई लेवल यू कांट यूज मैनी मॉडर्न डिवाइसेस। ठीक है, तो आप अपना एपीआई लेवल जो हायर सिलेक्ट करें। द अपोजिट इज ट्रू व्हेन सिलेक्टिंग अ हायर लेवल एपीआई। अ लार्जर परसेंटेज ऑफ डिवाइसेस कैन रन योर ऐप। ठीक है, उसके बाद क्लिक टू फिनिश करेंगे तो आपका सिस्टम जो है फिनिश हो जाएगा। तो ये मतलब कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉइड के, और इसके अंदर अगर ओरियो 8.0 के देखें तो 88% इसकी कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर लॉलीपॉप के बारे में उसने उससे सिलेक्ट किया है तो लॉलीपॉप का यूजर इंटरफेस उसने बताया, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म का नोटिफिकेशन भी का बताया, ग्राफिक्स का बता रहा है, मीडिया स्टोरेज और वायरलेस कनेक्टिविटी, मतलब कि जो जो चीज़ें हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिस्टम कंपैक्टेबिलिटी, वो चीज़ें हमें लेटेस्ट अपडेट इसकी 2022 4th अगस्त को। तो ये सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। तो ये था हमारा अवरिव्यू एंड्रॉयड स्टूडियो के रिलेटेड।